चलो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, लिसन केयरफुली. हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस का पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो जाएगा. क्या है समझ लेते. चलो, कल मैंने आप लोगों को बताया कि टाइप टू जो हमारा एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप टू है, वो कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहीं पर डीएनए को कट करता है. कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा और केवल वहीं पर डीएनए को कट करेगा. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ये डीएनए है. ओके, और इस डीएनए के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. यहां पर भी है, एक बार और आगे ले लेते हैं, यहां पर भी अवेलेबल है. और आपने कोई टाइप टू एंजाइम चूज किया है. कौन सा है अभी हमको नहीं मालूम. ठीक है, हम लोगों ने कोई एक टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चूज किया है. टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप चूज करोगे तो ये हमारे डीएनए को कट करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस है, डीएनए को कट करना इसका काम है. और एंडो न्यूक्लियस है, एंडो न्यूक्लियस है तो यहां काम करेगा क्या? नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा? मिडल में जाके डीएनए को कट करेगा. तो हमारा जो टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या करता है? पूरे डीएनए के ऊपर सर्चिंग करेगा, पूरे डीएनए को रीड करेगा, लेकिन पूरे डीएनए में से कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस किसका? न्यूक्लियोटाइड का. कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिफाई करेगा. अगर उसे वो सीक्वेंस मिल गया तो ही वो डीएनए के ऊपर काम करेगा. अदरवाइज अगर उसे वो पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं मिला तो फिर वो डीएनए को कट नहीं करेगा. एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. हमारे पास में एक एंजाइम है जिसका नेम है ECOR1. एंजाइम का नेम क्या है? ECOR1. ओके, ECOR1 ये एंजाइम का नेम है. कौन सा एंजाइम है? टाइप टू कैटेगरी का है. ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है. अगर हम लोगों ने ये एंजाइम यूज किया और हमारा एम और पर्पस क्या है? इस एंजाइम ने हमारे डीएनए को कट करना चाहिए, तो ये एंजाइम अपने डीएनए को कट करेगा. लेकिन कंडीशन है, एक कंडीशन, कि ये डीएनए को कहीं पर भी जाके कट नहीं कर देगा. डीएनए आया भैया, डीएनए को कट करना शुरू कर दिया, कहीं पर भी जाके अटैक कर रहे, कहीं पर भी डीएनए को कट किया, ऐसा काम नहीं करेगा. ये एंजाइम एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा. और वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होता है? जिसे ECOR1 आइडेंटिफाई करेगा. द सीक्वेंस इज GAATTC. 6 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन GAATTC. ECOR1 हमारे पूरे डीएनए के ऊपर सर्च करेगा, घूमेगा. क्यों घूम रहा है? बिकॉज उसको एक सीक्वेंस को पहचानना है. सिर्फ एक ही सीक्वेंस को पहचान सकता है. वो सीक्वेंस कौन सा? GAATTC. अगर हमारे डीएनए के अंदर GAATTC सीक्वेंस मिल गया, अगर हमारे डीएनए के अंदर GAATTC सीक्वेंस मिल गया तो ECOR1 क्या करेगा? डीएनए को कट कर देगा. समझ में आई बात? ठीक है, नाउ लिसन, मैं बोल रहा हूं आपको कि GAATTC सीक्वेंस यहां पर प्रेजेंट है. जस्ट कंसीडर कर लो दैट दिस सीक्वेंस इज GAATTC, दिस सीक्वेंस इज आल्सो GAATTC. समझ में आ रही है बात? ओके, आपने एंजाइम क्या यूज किया? ECOR1 लेकर आया काय के लिए? डीएनए को कट करने के लिए. ओके, सपोज ECOR1 पहले आया हियर, ECOR1 यहां पर आया, कट करेगा डीएनए को? नहीं करेगा. यहां से आगे गया, कट करेगा? नहीं गया. आगे गया, कट करेगा? नहीं करेगा. आगे गया, कट करेगा? यस, अब कट करना स्टार्ट करेगा. क्यों? बिकॉज यहां कौन सा सीक्वेंस है? GAATTC. वो केवल यहां पर डीएनए को आपके कट कर देगा. समझ में आई बात? चलो, फिर आगे जा रहा है, यहां कट करेगा? नहीं. कट करेगा? नहीं नहीं नहीं. यहां से फिर डीएनए को कट कर देगा. क्लियर हो रहा है? तो हमारा जो एंजाइम है ECOR1, इसने एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट बनाया है. ये सिर्फ एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है. अगर ये सीक्वेंस हमारे डीएनए में है तो ECOR1 एंजाइम के थ्रू हमारा डीएनए कट होगा. अगर हमारे डीएनए में ये सीक्वेंस नहीं है तो ECOR1 हमारे डीएनए को कट नहीं कर सकता. तो ECOR1 एक एग्जाम्पल है. ECOR1 एग्जाम्पल है किसका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का. ECOR1 किसका एग्जाम्पल है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का. ठीक है, ECOR1 एग्जाम्पल है किसका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस. रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई. तो कौन पहचान रहा है इसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. किसको पहचान रहा है?
सीक्वेंस को, किसका सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड आउट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, दैट सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। आप लोग इसे रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस भी बोल सकते हो। रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्यों बोला? बिकॉज आइडेंटिफाइड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसी को हम लोग रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन साइट। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज? द सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन डीएनए। किस पर प्रेजेंट है ये? डीएनए पर। द सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द डीएनए रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाइड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कहां रहेगा? डीएनए पर। क्या आरएनए पर? डीएनए पर, ठीक है। और ये सीक्वेंसेस किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। कौन आइडेंटिफाई करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर हो गया? तो व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस? द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिफाइड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अब देखो हमारे डीएनए के अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसी सीक्वेंस को अपन ने क्या बोला? रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस का, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है जो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस है या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है, दे आर वेरी स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हमारा डीएनए स्टडी करेंगे, हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, पोलैरिटी बताओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे एंड का पोलैरिटी, दूसरे स्टैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। कौन सा सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, उसे आप लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोल सकते हैं, हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। लिसन केयरफुली। तो यहां पर पहले मैं अपना पर्टिकुलर सीक्वेंस लिख देता हूं, सो दैट समझने में अपने को और इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा। जी ए ए क्या है सीक्वेंस? टीटीसी, ठीक है। देन रिमेनिंग बाकी कुछ भी लिख देते हैं, कलर भी चेंज कर देता हूं सो दैट और भी आपको समझ आ जाएगा। रिमेनिंग सीक्वेंसेस बाकी कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, सेकंड स्ट्रैंड बना सकते हो टी टी जी जी, ठीक है। इसका कलर फिर चेंज रखेंगे, हियर ए ए ए, ठीक है। नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। कलर सेम रख रहे हम लोग एज इट इज, बोलो ए ए जी, ठीक है। अब देखो आपके सामने मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, सिंपल सा, ओके। रीड करना है ये वर्ड फ्रॉम दिस साइड, यू विल रीड इट मलयालम, बराबर। नाउ रीड द सेम वर्ड फ्रॉम दिस साइड, यू विल रीड मलयालम। रीड द दिस सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी फ्रॉम दिस साइड, पढ़ो। नाउ रीड फ्रॉम दिस साइड, आ रही बात समझ में? ओके, तो हमारे डीएनए पर कुछ ऐसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कैसी रीड हो रही है? सेम रीड हो रही है, ठीक है। कैसी रीड हो रही है? सेम, बट डिरेक्शन शुड बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अगर आप लोग खुद के डीएनए को या फिर ये डीएनए स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में स्टडी करोगे, तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ये सीक्वेंस कैसा रीड होगा? सेम रीड होगा। दीज सीक्वेंसेज विच कैन बी रीड सेम, द सीक्वेंसेज विच कैन बी रीड सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड, कितने स्ट्रैंड पर? दोनों स्ट्रैंड पर, ठीक है, ऑन बोथ द स्ट्रैंड। द सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए which can be read same on both the strand of DNA. Direction क्या है? 5 prime to 3 prime. These sequences are called as palindromic sequences. These sequences are called as palindromic sequences. तो जो हमारा recognition sequence है ना, जो हमारे recognition sequences है, recognition sequences are क्या होती है? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है। रिकॉग्निशन समझ में आ रहा है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको पहचानता है, दे आर कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। अब हमको मालूम पड़ा कि भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस डीएनए के दोनों स्टैंड के ऊपर कैसे रीड होता है? सेम रीड होता है। कौन सी डायरेक्शन में?
5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर 3 टू 5 रीड कर लो तो भी सेम रहेगा, लेकिन एक रीड कर रहे 5 टू 3, दूसरा रीड कर रहे 3 टू 5, अब सेम नहीं होगा। देखो एक रीड किया 5 टू 3, क्या हो रहा है रीडिंग GAATTC, और दूसरे को रीड कर लिया 3 टू 5, क्या हो रहा है CTTAAG, अब सेम हुआ क्या? नहीं। इसलिए स्ट्रैंड पर रीडिंग का डायरेक्शन सेम रखो, 5 टू 3 रीड करो या फिर 3 टू 5 रीड करो, दोनों भी स्ट्रैंड। ओके, सो द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कैन बी रीड सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कैन बी रीड सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, और यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं, दे आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। इसी को क्या बोलोगे? रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस मतलब कौन आइडेंटिफाई कर रहा है इसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मैं आपको बोल रहा हूं सिंपल, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दूसरा वर्ड बोल देता हूं मैं, ऑल रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, चलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस? रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस। आगे बात समझ में? विच कैन बी रीड सेम ऑन बोथ द स्टैंड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी, ऑन बोथ द स्टैंड ऑफ डीएनए इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सिर्फ ध्यान में रखना, डायरेक्शन सेम होना चाहिए दोनों के, दोनों स्टैंड के ऊपर वो आप सेम रीड कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ओके, तो हमारा जो इको आर वन है, अभी आपको एंजाइम बताया मैंने इको आर वन, ठीक है, दिस इज द एंजाइम इको आर वन। इको आर वन का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? GAA TTC, ठीक है, दैट मींस दिस GAA TTC ये क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जो हमारे टाइप 2 एंजाइम्स है, जो हमारा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उसी के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, दे आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लियस क्यों बोला भैया? एंडोन्यूक्लियस क्यों बोला? बिकॉज ये डीएनए को मिडल में कट करते हैं, ठीक है, क्यों बोल रहे? बिकॉज ये डीएनए को मिडल में कट करते हैं। और जो भी हमारा टाइप 2 है, जो हमारे टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, दे आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? REN, REN मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो टाइप 2 मतलब कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। और ये टाइप 2 या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी साइट को आइडेंटिफाई करेगा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कैसी होती है? दे आर पैलिंड्रोमिक, ठीक है, कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब विच कैन बी रीड सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्लियर, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्लियर, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर।